हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज़। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चन हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप सबको पता ही है, 100 क्वेश्चन की हमने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है, तो उसका ये पार्ट रहेगा। अगर आपने पुराने पार्ट मिस कर दिए हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सबके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो नेशनल पार्क की एक सेपरेट वीडियो है जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी, सारे नेशनल पार्क इंडिया के उसमें डिस्कस करे गए हैं। तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। हु इज दी ऑथर ऑफ द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय, जो कि भारत की पहली महिला है जिनको कि मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अरुंधति रॉय के द्वारा ही बुक लिखी गई है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। जितने भी टॉपिक्स होते हैं सबकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो एमरजेंसी के टाइम पे कौन से दो आर्टिकल हैं जो कि सस्पेंड नहीं होते, बाकी जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो सब सस्पेंड हो जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20 एंड 21। तो ये दोनों इकलौते आर्टिकल्स होते हैं जो कि एमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होते, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। Which of the following acid is formed in human stomach? तो हमारा जो स्टोमक होता है उसमें कौन सा एसिड बनता है, फॉर्म होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये हमारे स्टोमक में बनता है, और जो हमारा जो फूड होता है उसको पचाने में भी इसका योगदान होता है। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। तो FAO, जिसको कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो 1945 में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रोम, इटली। तो रोम जो जगह है इटली में, वहाँ पे हेडक्वार्टर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। तो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेडक्वार्टर आपको ज़रूर पता होने चाहिए, उसके करंट टाइम में हेड कौन है और वो इस्टेब्लिश कब। ये तीन क्वेश्चंस होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम्स के लिए। हु वॉज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट भी आपको जरूर ध्यान रखने है कि फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन थे। जितने भी मिनिस्टर्स हो गए, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होते हैं, वो फर्स्ट जहां पे शब्द आता है वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉन मथाई जो थे, ये भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर थे। तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, 2000 क्वेश्चंस की एक ई बुक रहेगी जो कि हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है। ये सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है, फ्लैट 67% ऑफ दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आपके एग्जाम की 7 से 8 क्वेश्चन आपको इस ई बुक से बिल्कुल टिक टू मिल जाएंगे। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहेगी क्योंकि इसमें 500 साइंस के क्वेश्चन हैं, 500 स्टैटिक जीके के, 500 करंट अफेयर रहेगा 2020 का, और 500 बेसिक जीके के क्वेश्चन हैं। तो टोटल 1000 क्वेश्चंस हैं, सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी रहेगी, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। Which of the following state is the largest producer of coffee? तो कॉफ़ी जो होती है या कैफीन जो होती है उसकी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली कौन सी स्टेट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। और कर्नाटका जो है 70%, इंडिया का करीबन 70% जो कॉफ़ी है वो कर्नाटका ही प्रोड्यूस करता है, और दूसरे नंबर पे रहेगी केरला। तो कर्नाटका का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है और कॉफ़ी में कर्नाटका सबसे ऊपर है, ये आपको ध्यान रखना है। Who is the inventor or discoverer of email? तो email जो हम send करते हैं उसकी invention, खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो हमारा answer हो जाएगा Ray Tomlinson जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी, invention करी गई थी email की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आर गोइंग टू हेल्ड इन। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, हमारा आंसर हो जाएगा बर्मिंगम। बर्मिंगम जो जगह है यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 2022 के। What is the full form of NIU? NIU की full form क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा Network Interface Unit। Network Interface Unit full form है NIU की।
हु इज द डिजाइनर ऑफ आर करंट नेशनल फ्लैग, तो हमारा जो अभी करंट टाइम में नेशनल फ्लैग है इंडिया का उसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया जो है इनके द्वारा डिजाइन करा गया था भारत के नेशनल फ्लैग को। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में फाउंड किया गया था, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, फिर 1885 में किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम ने फाउंड करा था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो उमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी जो थे ये पहले प्रेसिडेंट चुने गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो बद्रुद्दीन तैयब जी रहेंगे। जो आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1924 में जो बेलगांव सेशन हुआ था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ये चारों पांचों क्वेश्चन इंडियन नेशनल कांग्रेस से काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB जो बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा मनीला, फिलीपीन। मनीला जो जगह है फिलीपींस में, वहां पे हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। वॉट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सबको पता ही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है कास्टिक सोडा को, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा NaOH। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड विच वर्ड टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट में गिना जाता है, तो इसके द्वारा कौन से वर्ड्स हैं जिनको की प्रीएम्बल में ऐड किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन तीनों वर्ड को इंडियन प्रीएम्बल में ऐड कर दिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क ऑर्गेनाइजेशन, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे काफी पूछे जाते हैं, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके 8 से 10 मेंबर्स होते हैं या 15-20 मेंबर्स होते हैं, उनमें आपसे पूछा जाता है कि ये जो कंट्री है ये इसमें मेंबर है या फिर नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान रखने हैं कि कौन कौन सी कंट्री कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स हैं, तो सार्क की इनमें से कौन सी मेंबर कंट्री नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना जो है ये मेंबर कंट्री नहीं है सार्क ऑर्गेनाइजेशन की। सार्क ऑर्गेनाइजेशन की टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं, उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। 8 मेंबर कंट्रीज रहेंगी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 मेंबर कंट्रीज हैं सार्क ऑर्गेनाइजेशन की। सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और इसका आपसे ये जरूर पूछा जाता है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था सार्क ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है काठमांडू नेपाल में। नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, वहां पे हेडक्वार्टर है सार्क का। एनी बेसेंट वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनी बेसेंट जो प्रेसिडेंट थी वो कौन से साल में थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1917 में एनी बेसेंट प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क, तो मिल्क जो होती है उसकी जो डेंसिटी होती है प्योरिटी होती है उसको नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मिल्क की डेंसिटी को नापने के लिए यूज किया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स के ईयर आपको जरूर ध्यान होने चाहिए और वो किस चीज़ से रिलेटेड होती हैं, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है ये कब लॉन्च करी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2015 में PMJJBY को लॉन्च किया गया था। सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उनकी। वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG, PNG की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फुल फॉर्म है PNG की। विच ऑफ दीज रिलीजन्स वॉज अडॉप्टेड बाय अशोक, तो अशोक जो है जिनको सम्राट अशोक के नाम से भी जाना जाता है उनके द्वारा कौन सा रिलीजन है जो कि अडॉप्ट किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया गया था सम्राट अशोक के द्वारा।
गुगामल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? गुगामल नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है गुगामल नेशनल पार्क। जो हमारी 104 नेशनल पार्क वाली वीडियो है, अगर आपने वो देख ली तो उसके बाहर से आपको नेशनल पार्क से कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ सेवन आइलैंड? तो सिटी ऑफ सेवन आइलैंड के नाम से कौन सी सिटी को जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई, जो कि कैपिटल है महाराष्ट्र की और इसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए। Who among the following developed World Wide Web, जिसको कि WWW के नाम से भी जाना जाता है और सर्च इंजन्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हमारा आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा खोज करी गई थी, डेवलप किया गया था वर्ल्ड वाइड वेब को। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन टू, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं अगर उनको रिजाइन करना होता है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को जज जो होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं अगर उनको रिजाइन करना होता है। विच इज दी ओनली ऑर्गन इन दी ह्यूमन बॉडी दैट कैन रीग्रो एंड रीजनरेट, तो हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि अपने आप रीग्रो हो सकता है, अपने आप जनरेट हो सकता है, ऐसा कौन सा ऑर्गन है, इकलौता ऑर्गन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर जो होता है एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि अपने आप रीग्रो हो जाता है हमारी बॉडी का। What is the full form of NEFT? NEFT की full form क्या होती है? तो हमारा answer हो जाएगा National Electronic Fund Transfer। ये full form रहेगी NEFT की। Capital of India was shifted from Kolkata to Delhi in which year? तो कोलकाता से दिल्ली इंडिया का कैपिटल कब शिफ्ट हुआ था या फिर दिल्ली इंडिया की कैपिटल कब बनी थी? बेसिक क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा 1911 में दिल्ली कैपिटल बन गई थी इंडिया की। Who was the first speaker of लोकसभा? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे ये पहले लोकसभा के स्पीकर बने थे। बद्रीनाथ इज सिचुएटेड अराउंड विच रिवर? तो बद्रीनाथ जो है ये कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलकनंदा। अलकनंदा जो रिवर है उसके अराउंड सिचुएटेड है बद्रीनाथ। Who is known as the पीस मैन ऑफ इंडिया? तो पीस मैन ऑफ इंडिया या फिर शांति पुरुष, तो शांति पुरुष किसको कहा जाता है भारत का? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे इनको शांति पुरुष भी कहा जाता है भारत का, जिसको इंग्लिश में कहेंगे पीस मैन ऑफ इंडिया। Who is the author of the book Defending India? Defending India जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल रहेगा Defending India। Which organelle is called किचन ऑफ द सेल? तो कौन सा पार्ट होता है जिसको कि किचन ऑफ द सेल कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसको किचन ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस इन इंडिया केम फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो भारत के अंदर जो पहला कोरोना वायरस का केस आया था वो कौन सी स्टेट से आया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला स्टेट में सबसे पहला केस आया था कोरोना वायरस का इंडिया के अंदर। बृहदेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो बृहदेश्वरा टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है बृहदेश्वरा टेम्पल। Who is the author of the book Untouchable? Untouchable book किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद के द्वारा बुक लिखी गई है Untouchable, काफी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। Who among the following is known as Parrot of India? तो Parrot of India किसको कहा जाता है? तो ये जो निकनेम्स होते हैं ये आप जरूर कहीं पे एक पेज पे नोट कर सकते हैं कि किस किस को कौन कौन से नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में एक बार देखने को मिलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा अमीर खुशरो। अमीर खुशरो जो है इनको Parrot of India के नाम से भी जाना जाता था। Which of the following disease is caused by bacteria? तो bacteria से कौन सी disease होती है, virus से कौन सी होती है, protozoa से कौन सी होती है, इनका भी आप जरूर एक पेज पे नोट करें कि कौन कौन सी बीमारी है, किस किस चीज से होती हैं। जो ये questions होते हैं कुछ topics होते हैं जिनके questions आपको exam में 100% मिलते हैं। तो आपका answer हो जाएगा typhoid। typhoid जो होता है ये एक bacteria से होने वाली बीमारी होती है।
नोंग्रेम इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, नोंग्रेम जो है कौन सी स्टेट का एक फोक डांस है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय, मेघालय स्टेट का एक फोक डांस रहेगा नोंग्रेम डांस। मीनाक्षी अमन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल पे, आपको पता होगा हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु स्टेट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल रहता है मीनाक्षी अमन टेम्पल। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राजतरंगनी, राजतरंगनी बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा कालन, कालन जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा राजतरंगनी। आप नीचे देख सकते हैं प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, इसमें 150 से ज़्यादा टॉपिक अभी टोटल कवर कराए जा चुके हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर किसी भी टॉपिक को चाहें वो आपकी उसकी सेपरेट वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगी, चाहे बुक्स एंड ऑथर्स ले लीजिए, न्यू अपॉइंटमेंट हो गए, प्रेजेंट हेड्स हो गए, गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स हो गई, जितने भी टॉपिक्स होते हैं हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको इस प्लेलिस्ट में। तो आप इस प्लेलिस्ट को अगर अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपका 90% सिलेबस ऑलरेडी कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हेन वाज़ द गांधी इरविन पैक्ट साइंड, तो गांधी इरविन पैक्ट जो साइन किया गया था ये कब किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1931 में साइन किया गया था गांधी इरविन पैक्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज इज यूज इन मेकिंग मैग्नेट, तो मैग्नेट जो होती है चुंबक जो होती है उसको बनाने में कौन सा अलॉय होता है जिसका यूज किया जाता है, तो ये क्वेश्चन काफी कम लोगों को इसका आंसर पता होगा, हमारा आंसर हो जाएगा एल्निको, एल्निको जो होता है ये एक अलॉय होता है जिसकी मदद से जिससे बनाया जाता है मैग्नेट्स को, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। माउंट इटना इज ए फेमस वॉल्केनो विच इज लोकेटेड इन, तो ये भी आंसर ज्यादातर सबको पता होगा, काफी चर्चा में रहा था पीछे कि माउंट इटना जो वॉल्केनो है वो काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा इटली, इटली जो कंट्री है वहां का एक वॉल्केनो रहेगा माउंट इटना नाम रहेगा। हु इज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न, तो नॉन इंडियन कौन थे जिनको पहली बार भारत रत्न दिया गया था, तो आपका आंसर पता ही है आपको, खान अब्दुल गफार खान और नेल्सन मंडेला, ये दो लोग हैं जिनको कि नोबेल प्राइज दिया गया है और ये नॉन इंडियन है। पहले कौन रहेंगे, तो पहले थे खान अब्दुल गफार खान, कौन सी कंट्री से, पाकिस्तान से। दूसरे रहेंगे नेल्सन मंडेला, कौन सी कंट्री से, साउथ अफ्रीका से। When did Mother Teresa win the Nobel Peace Prize? Nobel Peace Prize Mother Teresa को कब दिया गया था, आपसे पूछा जा सकता है रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था, अमर्त्या सेन को कब दिया गया था, तो इस टाइप से जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज होती हैं उनको नोबल प्राइज कब मिला है वो आपको जरूर ध्यान रखना है, ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1979 में नोबल प्राइज दिया गया था मदर टेरेसा को। दी चोरी चोरा इंसिडेंट इन 1922 वॉज हैपेंड इन विच स्टेट, तो चोरी चोरा इंसिडेंट काफी फेमस रहा था 1922 में हुआ था, कौन सी स्टेट में हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट जो है इंडिया की वहां पे चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था 1922 में। By which instrument radio activity is measured? Radio activity को नापने के लिए कौन सा instrument use किया जाता है, तो हमारा answer हो जाएगा GM counter, जिसको कि Giger Muller counter के नाम से भी जाना जाता है। Who among the following has called महात्मा गांधी the Indian फकीर, तो the Indian फकीर के नाम से किसको किसने बुलाया था महात्मा गांधी को, तो हमारा आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल जो है इनके द्वारा महात्मा गांधी को कहा गया था इंडियन फकीर। How many bones are there in man ears? तो ह्यूमन के जो ईयर्स होते हैं, दोनों ईयर्स की बात हुई है यहाँ पे, उनमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6, तो टोटल 6 हड्डियां होती हैं दोनों कानों में, 3 हड्डियां एक कान में होती हैं ह्यूमंस के। अगर 3 हड्डियों की बात करी जाए तो 3 में सबसे छोटी जो ह्यूमन बॉडी की हड्डी होती है वो होती है स्टेप्स, स्टेप्स भी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे ईयर में ही प्रेजेंट होती है, तो ये आप ध्यान रखें। अगर आपसे सिंगल ईयर की बात करी जाए तो आपका आंसर हो जाता 3, अगर आपसे डबल की बात करी गई है तो आपका आंसर हो जाएगा 6। ब्लड लॉस फ्रॉम टीथ इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो हमारे जो दांत होते हैं उनसे अगर खून निकलने लगता है तो वो कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी की वजह से हमारे दांतों से खून आने लगता है।
हुज क्रिएशन आर हर्ष चरित्र एंड कादंबरी। तो हर्ष चरित्र और कादंबरी जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बाना भट्ट के द्वारा बुक लिखी गई है जिनका टाइटल रहेगा हर्ष चरित्र और कादंबरी। और ये क्वेश्चन भी हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट। तो बुद्धा ने जो ज्ञान की प्राप्ति करी थी वो कौन से ट्री के नीचे करी थी। तो आपको पता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऑप्शन में बोध ट्री मिल जाता है, तो आप सबको याद रहता है कि बोध ट्री हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे उस ट्री का नाम पूछ लिया जाए कि कौन से टाइप का ट्री था, तो आपको काफी कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप उसका नाम भी ध्यान रखें कि कौन सा ट्री रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिकस रेलिगोसा जो है ये ट्री था जिसके नीचे जो बुद्धा थे उनके द्वारा एनलाइटमेंट, उनके द्वारा जो नॉलेज की प्राप्ति करी गई थी। और कहां पे रहेगा, तो बिहार स्टेट में है, जिसको बोध ट्री भी बोला जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड दी एंड गेम। दी एंड गेम बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा एस हुसैन जैदी जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा दी एंड गेम। अब दोस्तों आप नीचे एक और ई बुक देख सकते हैं हमारी 600 प्लस क्वेश्चंस की करंट अफेयर 2021 की। इसमें जनवरी से लेके जून 2021 तक के आपको सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये ई बुक सिर्फ आपको 29 रुपीज में दी जा रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको भी बाय कर सकते हैं। Who was the first female governor of an Indian state? इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी गलत नहीं कर सकता, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है। हमारा आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी। कौन सी स्टेट की, तो उत्तर प्रदेश स्टेट की। How many languages in India आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज, तो इंडिया में ऑफिशियल कितनी लैंग्वेजेस हैं अभी करंट टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22। टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं करंट टाइम में इंडिया में। विच इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो हमारा जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, उसका सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ये ब्रेन का, दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट होता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है, M.S. Swaminathan को। अगर आपसे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ही पूछा जाता तो आपका आंसर हो जाता नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं और M.S. Swaminathan को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं। पनामा कैनल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन विच ओशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। तो एटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कौन कनेक्ट करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पनामा कैनल जो है ये कनेक्ट करता है एटलांटिक और पैसिफिक ओशन को। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है। हु रिसेंटली वन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021, तो अभी तक टोटल 15 ग्रैंड प्रिक्स हैं वो हो चुके हैं। अभी आगे आने वाले टाइम में 2-3 महीने और जो बच रहे हैं उसमें आपके और भी टूर्नामेंट्स करे जाएंगे, ग्रैंड प्रिक्स होंगे, तो टोटल 22 से 23 ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, उसमें से 15 हो चुके हैं और 15 के विनर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैनल पे। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की अगर बात करी जाए किसके द्वारा जीता गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डेनियल रिचार्डो जो है इनके द्वारा जीता गया है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में। सबसे ज्यादा टूर्नामेंट अभी तक 2021 इसमें ग्रैंड प्रिक्स के किसने जीते हैं, तो वो जीते गए हैं मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा और दूसरे नंबर पे जीते गए हैं लुइस हैमिल्टन के द्वारा। तो अभी मैक्स वर्स्टप्पन जो है ये नंबर 1 पे चल रहे हैं ग्रैंड प्रिक्स में। इंडियन नेवी अंडरटुक बायलिटरल एक्सरसाइज जायद तलवार 2021 विद विच कंट्री, तो जायद तलवार 2021 में जो ये एक्सरसाइज हुई है कौन कौन सी कंट्री के बीच में हुई है, एक तो इंडियन नेवी ने पार्ट लिया है, दूसरी कौन सी कंट्री है, तो हमारा आंसर हो जाएगा UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया की नेवी के बीच में हुई है जायद तलवार 2021 एक्सरसाइज। हरेली इज दी हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, तो हरेली जो है ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है कौन सी स्टेट का, तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ जो स्टेट है वहां का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जिसका नाम रहेगा, टाइटल रहेगा हरेली। Which is the longest part of एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है हमारी बॉडी में उसका जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, वो कौन सा होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा
स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, जैसे कि फूड जो होता है उसमें जो प्रोटीन होता है वो कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड प्रोसेस का जो लास्ट प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो पहला प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो वो माउथ से स्टार्ट होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। Who coined the word cell is the basic unit of life? तो cell is the basic unit of life ये किसके द्वारा कहा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने बताया था कि सेल जो होती है बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। In which state is Koyna Dam located? Koyna Dam कहाँ पे located है, तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट में है Koyna Dam। Who among the following organs सिक्रीट ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम जो होती है वो कौन सिक्रीट करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज। इंसुलिन का जो होता है वो भी रिलेटेड होता है पैनक्रियाज से, और जो ट्रिप्सिन एंजाइम होती है ये भी रिलीज करी जाती है, ये भी सिक्रीट करी जाती है पैनक्रियाज के द्वारा। दी सब्सटेंस बाइल प्रोड्यूस बाय द लीवर इज स्टोर्ड इन, तो बाइल जूस आपने सुना होगा कि बाइल जूस होता है ये प्रोड्यूस किया जाता है लीवर के द्वारा, जो लीवर होता है वो प्रोड्यूस करता है हमारा बाइल जूस को, तो ये जो बाइल जूस होता है ये कहाँ पे जाके स्टोर किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो होता है इसमें स्टोर किया जाता है बाइल जूस को, जो कि प्रोड्यूस करा जाता है लीवर के द्वारा लेकिन स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में, और जो हमारा खाना पचाने का जो प्रोसेस होता है उसमें मदद होती है, उसमें मदद करता है बाइल जूस। The human cell contain dash chromosomes. तो ह्यूमन सेल में एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 46. तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन सेल्स में। Who recently won the Azerbaijan Grand Prix 2021? तो पीछे हमने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स देखा था, आपसे अजरबैजान भी पूछा जा सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सर्जियो पेरेस। सर्जियो पेरेस जो है इनके द्वारा जीता गया है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो होता है ये कब होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 मई। हर साल 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक दी आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, दी आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अमर्त्या सेन। अमर्त्या सेन जो है ये ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल रहेगा दी आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। Where is the headquarter of International Monetary Fund located? तो IMF जो है International Monetary Fund उसका headquarter कहाँ पे located है, तो हमारा answer हो जाएगा Washington DC। तो Washington DC जो जगह है अमेरिका में जो कि capital रहेगी, यहाँ पे located है International Monetary Fund का headquarter। Who is awarded the Nobel Prize 2020 in chemistry? तो chemistry की field में 2020 में Nobel Prize किसको दिया गया, तो Nobel Prize जो मिले हैं 2020 के उसकी already separate video आपको channel पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं, उसमें सारे discuss करे गए हैं, और Nobel Prize से related भी आपको exam में 100% एक question देखने को मिलता है, तो Nobel Prize भी आप अच्छी तरीके से तैयार करें। तो chemistry में किसको मिला था 2020 का Nobel Prize, तो हमारा आंसर हो जाएगा both A and B। तो जेनिफर डाउडना और इमैनुअल कारपेंटर इन दोनों के द्वारा जीता गया है नोबेल प्राइज 2020 में केमिस्ट्री की फील्ड में। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो पहली महिला कौन थी जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर जो है ये भारतीय पहली महिला है जिनके द्वारा जीता गया था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड को। Who was the founder of Pal Dynasty? Pal Dynasty जो थी ये किसके द्वारा फाउंड करी गई थी, बेसिक क्वेश्चन है हमारा, आंसर हो जाएगा गोपाल, गोपाल के द्वारा फाउंड किया गया था Pal Dynasty को। मदर टेरेसा वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज इन विच ईयर, तो मदर टेरेसा को नोबल पीस प्राइज दिया गया था कौन से साल में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1979 में मदर टेरेसा को नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। Which of the following gland disappears during old age? तो हमारी जो old age होती है, हमारा जो बुढ़ापा होता है, उसमें कौन सा gland होता है जो कि disappear हो जाता है, तो हमारा answer हो जाएगा thymus gland। Thymus gland जो होता है disappear हो जाता है, खत्म हो जाता है human body से old age में।
ग्रेप्स आर दी सोर्स ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग एसिड, तो ग्रेप्स जो होते हैं, अंगूर जो होते हैं, उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टर्टरिक एसिड। टर्टरिक एसिड जो होता है ये प्रेजेंट होता है ग्रेप्स में, अंगूर में। हु रोट दी पॉपुलर बुक इटर्नल इंडिया, इटर्नल इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई, इसका आंसर ज्यादातर सबको पता होगा, हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, जो कि हमारी पहली महिला प्राइम मिनिस्टर रही हैं इंदिरा गांधी, उनके द्वारा बुक लिखी गई थी इटर्नल इंडिया। विच सेल इन आर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी सेल को कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं यही रेस्पॉन्सिबल होती हैं एंटीबॉडीज को बनाने में हमारी बॉडी में, तो यही रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगी, इनको ही बोला जाएगा सोल्जर ऑफ ह्यूमन सेल। जो भी हमारी कोई बीमारी आती है उससे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बनाई जाती हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स ही बनाती हैं, इसलिए इनको सोल्जर्स बोला जाता है ह्यूमन बॉडी का। Which of the following article states about Attorney General of India? Attorney General of India के बारे में कौन से article में लिखा गया है, तो हमारा answer हो जाएगा article 76. Article 76 related हो जाएगा Attorney General of India से। Who among the following is the founder or co-founder of Paytm? तो Paytm काफ़ी बड़ी एक डिजिटल पेमेंट कंपनी है इंडिया की, तो उसके फाउंडर और को फाउंडर इनमें से कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विजय शेखर शर्मा जो हैं ये फाउंडर या फिर को फाउंडर रहेंगे Paytm के। हु इज़ दी ऑथर ऑफ द बुक बापू दी अनफॉर्गेटेबल जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मनीष सिसोदिया जो हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड रहेंगे, आम आदमी पार्टी से रिलेटेड हैं, तो इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा बापू दी अनफॉर्गेटेबल। इन विच स्टेट इज दी अदाई दिन का झोपड़ा लोकेटेड, अदाई दिन का झोपड़ा जो है ये कौन सी स्टेट में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो स्टेट है इंडिया की वहां पे लोकेटेड है अदाई दिन का झोपड़ा। ह्यूमन नेल्स आर मेड अप ऑफ, तो हमारे जो नेल्स होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा केराटिन। केराटिन जो होता है इससे बने होते हैं ह्यूमन नेल्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। The ability of a cell to divide into equal cells is called, तो सेल जो होता है उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो दो इक्वल सेल्स में डिवाइड हो सकता है, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, तो आप सबको पता ही है अगर कोई चीज एक चीज है अगर वो दो हिस्सों में टूट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो होता है ये एक एबिलिटी होती है सेल के पास जिसकी वजह से जो सेल होता है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। हरमनप्रीत सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, हरमनप्रीत सिंह जो है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी जो गेम होता है उससे रिलेटेड है हरमनप्रीत सिंह। वी हैव बोरोड द आइडिया ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो हमने जो आइडिया ऑफ प्रियम्बल है ये हमने लिया है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूएसए। तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने लिया है आइडिया ऑफ प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905, तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को फाउंड किया गया था, किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा फाउंड किया गया था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को 1905 में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी जो है ये करंट टाइम में कौन सी मिनिस्ट्री को होल्ड करती है, तो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसकी मिनिस्टर रहेंगी स्मृति ईरानी। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि इससे पहले इनके पास कौन सी और मिनिस्ट्री थी, एक तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अभी भी है पहले भी थी, इसके अलावा जो दूसरी मिनिस्ट्री इनके पास थी वो कौन सी थी, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। और साथ ही साथ करंट टाइम में हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं जरूर इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी द्रोणाचार्य अवार्ड इज एसोसिएटेड विद, द्रोणाचार्य अवार्ड कौन सी फील्ड में दिया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पोर्ट कोचेस को। तो जो स्पोर्ट से रिलेटेड कोचेज होते हैं वो कोई अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। हु इज दी ऑथर ऑफ दी बुक टाइटल्ड लेट अस ड्रीम, लेट अस ड्रीम जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा
पॉप फ्रांसिस। पॉप फ्रांसिस जो है इनके द्वारा बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल रहेगा लेट अस ड्रीम। कंबला इज ए ट्रेडिशनल बफेलो रेस हेल्ड इन विच स्टेट। तो कंबला जो है ये एक ट्रेडिशनल बफेलो रेस होती है, कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका जो स्टेट है वहां का एक ट्रेडिशनल रेस रहेगी जिसका टाइटल रहेगा कंबला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बाउंड्री विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ इनमें से कौन सी स्टेट है जिसकी बाउंड्री नहीं लगती? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा जो स्टेट है उसकी बाउंड्री नहीं लगती है पाकिस्तान के साथ। जो हमारी करंट अफेयर की डेली हम वीडियो अपलोड करते हैं उसमें हम सारी बाउंड्रीज हो गया उसको मैप के साथ पूरी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आप करंट अफेयर को रेगुलरली फॉलो करें, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी एग्जाम्स के लिए, और जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी सारे आपके उसमें कवर होते रहेंगे। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इनसे बाउंड्री लगती है पाकिस्तान कंट्री की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है ये इंडिया की कितनी स्टेट से पास होके गुजरता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपसे एग्जाम में। स्टेट दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी स्टेट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता, तो इसमें आपको आंसर देना होता है। तो इसमें पहले आपका आंसर हो जाएगा 8। टोटल 8 स्टेट्स हैं जिनसे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके गुजरता है। अब कौन कौन सी 8 स्टेट्स रहेंगी? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये टोटल 8 स्टेट्स हैं जिनसे होके गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आठों की आठों स्टेट्स के नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिन्यू मैत्री एक्साइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई थी सिन्यू मैत्री एक्साइज? तो हमारा आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान और इंडिया के बीच में हुई थी, होती है सिन्यू मैत्री एक्साइज। तो मिलिट्री एक्साइज की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। Which day is marked as the International Day of Non-Violence every year by United Nations? तो UN के द्वारा International Day of Non-Violence के रूप में कौन से दिन को मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। गांधी जयंती को Non-Violence दिवस के नाम से भी जाना जाता है, तो International Day of Non-Violence के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती को। उदयगिरी केव्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो उदयगिरी केव्स जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है उदयगिरी केव्स। आपसे अगर एलिफेंटा और एलोरा केव्स पूछी जाए तो वो कौन सी स्टेट में हो जाएंगी? तो वो हो जाएंगी महाराष्ट्र स्टेट में। तो ये आपको ध्यान रखना है, केव्स जो होती हैं ये कभी कभी एग्जाम्स में आपको मिल जाती हैं। बाराबंकी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो बाराबंकी स्टेडियम जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो स्टेट रहेगी वहां पे लोकेटेड है बाराबंकी स्टेडियम। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ये हमारा 100वां क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको रेगुलरली वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं हमारे चैनल पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं, एक्सपेक्टेड वीडियोस रहेंगी आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारी 2 ईबुक रहेंगी, हमने आपको पीछे बताया था 2000 क्वेश्चंस की एक ईबुक है हमारी, जिसमें आपको जो सिर्फ आपको 99 रुपीज में मिल रही है, 2000 क्वेश्चंस हैं उसमें जो कि एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उसको बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नीचे आप देख सकते हैं फ्लैट 70% ऑफ है, 600+ क्वेश्चंस रहेंगे जनवरी 2021 से 2021 तक के, तो उसके लिए आप 29 रुपीज की हमारी ई बुक है, आप उसको बाय कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी एक प्लेलिस्ट रहेगी, आप सबको पता ही है, ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, उसमें सारे टॉपिक कवर कराए जाते हैं। किसी भी टॉपिक की आप बात कर लीजिए, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है स्टेडियम से रिलेटेड, तो ऑल स्टेडियम जितने भी स्टेडियम्स हैं उसकी सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको वहां पे, स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड, जितने भी टॉपिक्स होते हैं हर एक टॉपिक की बिल्कुल सेपरेट डिटेल्ड वीडियो मिलेगी आपको उस प्लेलिस्ट में। तो आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, 90% से ज्यादा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा उस प्लेलिस्ट से। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।